ये हायर की 32 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है ये कि दोनों साइड का इस समय जो है सीकेबी लाइन शॉर्ट है, इस वजह से नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है। इसके पहले एक बार ये रिपेयर हो चुका है। इसमें एक साइड का सीकेबी लाइन कट करके दूसरे साइड से चला दिया गया था। अब क्या है, कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट हुआ है कि नो डिस्प्ले। अब इसमें हमने चेक किया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चेक करने पे एनालॉग और डिजिटल दोनों से चेक कर कर आपको दिखाएंगे। जो शॉर्टिंग है 500 कुछ ओम की है, और दोनों साइड में जो शॉर्टिंग है उसे कैसे हम शॉर्ट को रिमूव करते हैं और कैसे इसको दोबारा देखते हैं कि ये दोबारा इस पे पिक्चर बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, यानी ये टीवी चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो देखते हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अभी इस तरीके से आप देखेंगे तो राइट साइड यानी दाहिने हाथ पे यहाँ पे जो सीकेबी लाइन जुड़ी है इसे हम रिमूव करते हैं, यानी पहले इसी कंडीशन पे चलाया गया था, यानी लेफ्ट को काट कर राइट से चलाया गया था। जैसे ये पैनल का जो फेस है ये नीचे साइड में है और ये इस कंडीशन में ये राइट साइड हुआ। अब इसे हम रिमूव कर देते हैं और इधर के भी शॉर्टिंग को, उधर के शॉर्टिंग को, दोनों साइड के शॉर्टिंग को हम इसे रिमूव करेंगे एक सप्लाई के द्वारा। अभी दिखाते हैं आपको, देखते रहिए कि कैसे हम बिना शॉर्ट किलर के इसे कैसे हम रिमूव करते हैं, यानी जो ग्लास एरिया शॉर्टिंग है यानी जो पिक्सल की लाइनें होती हैं वहाँ पे जो शॉर्टिंग इशू आई है इसे कैसे हम दूर करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने इसको हटा दिया है और ये पहले से कट किया गया था। ठीक है, अभी इसमें एक लाइन थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, हम इसे पूरा फिर से कट करते हैं जिससे ये टोटल अलग हो जाए। ये डिस्कनेक्ट दोनों का जो ट्रैक है ये पैनल फ्री हो जाए।
इधर भी शॉर्टिंग है। अभी हम दोनों साइड के जो है शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर मल्टीमीटर पर ध्यान दें, इस वोल्टेज को जो डीसी, यहाँ पे हमने जो है एक वोल्टेज लिया है जिससे हम इसी के द्वारा इस शॉर्टिंग को रिमूव करेंगे। अब यहाँ मल्टीमीटर पर देखेंगे तो ये 43 मेगा ओम दिखा रहा है, यानी शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। अभी हम एनालॉग से दिखाते हैं, उससे क्लियर दिखता है। अब यहाँ पर देखें, ठीक, अभी ओके हो गया। अब इसे यहाँ से निकाल लेते हैं। मैंने कैलोमीटर को यूज किया था, देख रहा था कि वहाँ पे करंट कितना जाता है शॉर्टिंग रिमूव के कंडीशन में।
देखिए इस कंडीशन में जो फॉल्ट होता है ये CKV लाइन का शॉर्टिंग का, तो इसमें किसी किसी में जो है ये दोबारा रिपीटिंग आ भी जाता है और ये सही भी हो जाता है, और चलने की जो इसकी कंडीशन होती है ये इंटरनल लाइनिंग शॉर्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिमूव हुआ या उसमें कुछ चीज़ें रह गई। जैसे कार्बन रह जाता है ना, ये मान लीजिए हमारा अंदर इंटरनल पिक्सल शॉर्टिंग हुआ, तो पिक्सल शॉर्टिंग होने से लाइनें चिपक जाती है या रास्ते में लाइन कहीं ट्रैक उसका शॉर्ट हो गया या ऊपर से नीचे से जो मल्टी